हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो गाइस, हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे आपका मोशन चैप्टर के बारे में। कुछ टॉपिक वहाँ पे बचे हुए हैं, उनको फिनिश करके हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो गाइस देखो, लास्ट टाइम हमने बात किया था इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो हमारे पास तीन टाइप्स की इक्वेशन ऑफ मोशन थी, जिसमें हमारे पास क्या था, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। सेकेंड हमारे पास थी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस। इसी तरह हमारे पास थर्ड इक्वेशन था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। सो गाइज, अगर इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने अंडर ग्रेविटी लिखना है, ठीक है। अब देखो, तो कैसे हम इन इक्वेशंस को लिख सकते हैं। अगर तो आपका बॉडी मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर आपका बॉडी मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूव करेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेम रहेंगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। एसेलेरेशन की जगह हम ग्रेविटी लिखेंगे, यू प्लस जी टी। यहाँ पे साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा जब आपका डाउनवर्ड मूव करेगा। वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस जी एच। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया जब हमारा बॉडी क्या मूव कर रहा है, डाउनवर्ड साइड मूव कर रहा है। तो अगर तो वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा, तब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, वर्टिकली अपवर्ड। तो यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करेगा ऑब्जेक्ट, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। बाकी इक्वेशन सेम रहेगा, वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस ट्वाइस जी एच, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास मोशन हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएंगी जब हम अंडर द ग्रेविटी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, या अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। अब देखो गाइस, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दें किसी एंगल पर, ठीक है, नियर द अर्थ सरफेस, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो एक कर्व्ड पाथ ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। उस पाथ को हम क्या कहते हैं, पैराबोला पाथ, वो अडॉप्ट करता है उस टाइम। और हम उस टाइम मोशन जो पार्टिकल का होगा उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। देखो किस तरह, मैं आपको डायग्राम बना दो बनाते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये आपके पास वाई एक्सिस आ जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो वो एक इस तरह का पाथ ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। इस पाथ को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। इसके जो पाथ को हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्टरी भी इसको कहा जाता है। जो पाथ ही लेता है उस पाथ को हम ट्रेजेक्टरी भी कहते हैं। अब यहाँ पे इसका जो कुछ स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी होगा, हम क्या करेंगे, इसके वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट रहता है और एक तो वर्टिकल कंपोनेंट रहता है, ठीक है। जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट रहता है वो हमारे पास म्यू एक्स कॉस थीटा रहेगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट रहता है वो हमारे पास म्यू वाई साइन थीटा रहता है। जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना, जब आपका मैक्सिमम हाइट रीच करेगा ना यहाँ पे, तो ये जो म्यू वाई हो, ये पता लग गया जब हम कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपका म्यू वाई साइन थीटा, और वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा, सॉरी, वर्टिकल कंपोनेंट आपका म्यू वाई साइन थीटा, और जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, म्यू एक्स कॉस थीटा। अब ये देखो, ये ओ है, और जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लैंड करेगा, उस पोजीशन को मार्क कर लो वी। अब ये जो पाथ इसने टाइम कवर किया 0 से B तक, ओ से बी तक, ठीक है, वो उस टाइम को हम कहेंगे कितना टाइम लिया इसने, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ
अब यहाँ से देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम रेंज पे फेंकना तो उसको एंगल देना पड़ेगा 45 डिग्री पे, ठीक है। अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो हमें एंगल कितने एंगल पे फेंकना उसको 45 डिग्री पे। अगर हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए तो हमें उसको कितने एंगल पे फेंकेंगे 90 डिग्री पे, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ें याद रखना, वो पूछ लेते हैं अगर आपको ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम रेंज चाहिए तो किस एंगल पे फेंकना पड़ेगा, तो वो 45 डिग्री। अगर मैक्सिमम हाइट चाहिए तो कौन से एंगल पे फेंकना पड़ेगा, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ये तो था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। अब देखो गाइज, ये हमारा हो गया मोशन चैप्टर फिनिश। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फोर्स के बारे में, प्रेशर के बारे में, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लोटेशन के बारे में। तो फर्स्ट बात करेंगे फोर्स का। फोर्स क्या होता है, फोर्स का मीनिंग क्या हो गया, इट इज़ अ पुश आर अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज़ अ पुश आर अ पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट, दैट इज़ अ फोर्स। अब जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स के कारण क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का साइज भी चेंज हो सकता है, ठीक है, उसका शेप भी चेंज हो सकता है, उसका स्टेट भी चेंज हो सकता है। मीन स्टेट का मीनिंग क्या क्या हो गया, अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में भी जा सकता है, तो अगर वो मोशन में है तो रेस्ट में भी आ सकता है, ठीक है। जब भी हम अप्लाई करेंगे क्या, फोर्स। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट हम मेजर करते हैं इसको न्यूटन में, ठीक है। इसी तरह अगर सीजीएस यूनिट में देखना होगा तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है। अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन होता है। अब देखो हमारे पास कितने टाइप्स का फोर्सेज रहता है, 2 टाइप्स का फोर्सेज होता है, कॉन्टैक्ट फोर्सेज और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट फोर्सेज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये फोर्सेज तब तब एक्ट करते हैं जब हमारे दो ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, आपस में फिजिकल कांटेक्ट में होंगे, ठीक है, उस टाइम ये फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कौन सी होंगी, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स आपस में फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होते, उस टाइम हमारे पास कौन सी फोर्सेज आ जाएंगी, नॉन कांटेक्ट फोर्सेज। एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे पास कांटेक्ट फोर्सेज का मस्कुलर फोर्सेज और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नॉन कांटेक्ट में हमारे पास आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब देखो गाइस एक चीज और याद रखो, जब भी हम फोर्स, अगर हमारे पास अगर कोई दो फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, ठीक है, यहां से हम फोर्स लगा रहे हैं या इस साइड, ठीक है, ये F1 फोर्स हो रही है, ये F2 फोर्स होगी, जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो क्या हो जाएगा, F1 + F2। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक तो फोर्स इस साइड से लग रहा है और एक तो फोर्स इस साइड से लग रहा है, सपोज करो ये F1 फोर्स है और ये आपका F2 फोर्स है, तब आपके पास रिजल्टेंट फोर्स किसके, और यहाँ पे सपोज करो जो F1 फोर्स है वो ग्रेटर देन है F2 से, तो तब आपका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, F = F1 - F2, ठीक है। इसी तरह अगर सपोज करो, अगर आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रही है, F1 यहाँ से एक्ट कर रही है और F2 यहाँ से एक्ट कर रही है, तो F1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, F2 के, तो उस टाइम आपका जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। F = F1 - F2, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो, ठीक है गाइस। तो ये हमारे पास ये एग्जांपल कौन सी हो जाएगी, बैलेंस्ड फोर्सेस, क्या हो जाएगी, बैलेंस फोर्सेस। और अगर आपके पास नेट फोर्स जीरो नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है गाइस। अब उसके बाद क्या था, बात कर रहे थे कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा मस्कुलर फोर्सेज और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉन कॉन्टैक्ट में हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वन बाय वन इन फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। अब देखो मस्कुलर फोर्सेस क्या होंगी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो फोर्स एक्ट करेगी किसके कारण, ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे हमारे मसल यूज करेंगे, मसल यूज होंगे वहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स। अब देखो डे टू डे एक्टिविटीज में हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो फोर्स यूज कर, अब वहाँ पे ब्रीदिंग भी किसकी हेल्प से ले रहे हैं, हमारे यहाँ जो अंदर मसल्स हैं, ठीक है। इसी तरह डाइजेशन,
वहाँ पे भी हमारे कुछ ना कुछ मसल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, लिफ्टिंग अ बकेट, बकेट को उठाने में, ठीक है। इसी तरह किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करते हैं जब, तो वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सा यूज़ हो रहा है, हमारा मस्कुलर फोर्स, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जांपल देख सकते हो आप, ये बॉडी बिल्डर ये उठा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो कौन सा फोर्स यूज़ कर रहा है, अपने मसल्स का फोर्स यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा फोर्स होता है, ये हमेशा फोर्स एक्ट करेगा अगेंस्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। ये हमेशा मोशन, जो भी बॉडी मोशन में होगी उसको अपोज करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास एग्जाम्पल है, हम इसको और डिस्कस आगे करेंगे, राइटिंग ऑन अ पेपर विद अ पेन, ठीक है, ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या हो जाएगी, जो हमने बताया कि जब आपकी कोई बॉडी फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी, ठीक है, उस टाइम जो फोर्सेज एक्ट करेंगे वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। अब उसमें अगर मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स में क्या हो जाएगा, फोर्स एसोसिएटेड विद द मैग्नेट, ठीक है, दैट इज़ अ मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जो फोर्स एक्ट करती है बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगा, जब कोई दो पार्टिकल्स होंगे जिसका मास होगा एम वन इंटू एम टू और उन दोनों मासेस के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा आर, उस टाइम उन पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो कौन सी हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको, पहले बात करते हैं हम। अब मैग्नेटिक फोर्सेस तो आपको पता लग गया, सेकेंड बात करेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में मैंने आपको बता दिया कि ये कब एक्ट करेगी, कि जब हमारे पास क्या होगा, कोई दो बॉडी होंगी जिनका मास m1 m2 होगा और उसके बीच में डिस्टेंस होगा आर स्क्वायर। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, ठीक है गाइस। और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, ठीक है, ये फोर्स क्या होती है, अट्रैक्टिव इन नेचर, ये क्या करेगी, दो पार्टिकल्स को आपस में अट्रैक्ट करती है ये। और क्या प्रॉपर्टी होता है इसका, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, ठीक है, ये क्या होगा आपका, लॉन्ग रेंज फोर्स होगा। इसी तरह ये जो ग्रेविटेशन फोर्स आपकी क्रिएट होती है, जिन पार्टिकल्स के कारण ये क्रिएट होती है, उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं ग्रेविटॉन, ठीक है, उन पार्टिकल्स को कहते हैं हम ग्रेविटॉन, ठीक है। और ये फोर्स क्या होती है, वीकेस्ट फोर्स होती है हमारे पास, ये क्या है, वीकेस्ट फोर्स होती है। इसी तरह हम बात करेंगे आपका न्यूक्लियर फोर्सेस भी रहती है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होगी, ग्रेविटेशन फोर्सेस होगी और मैग्नेटिक फोर्सेस। जो अब की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस किस में होंगी, बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी कहते हैं। तो मैंने बता दिया कि ये फोर्स एक्ट करते हैं बिटवीन टू चार्जेस, इसी तरह जब भी कोई चार्ज हमारा मूव करेगा, जब भी कोई चार्ज हमारा मूव करता है तो वो प्रोड्यूस करता है ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। इसी तरह हम बात करेंगे ये फोर्सेस क्या हो सकती हैं, अट्रैक्टिव भी होती हैं और रिपल्सिव भी हो सकती हैं ये फोर्सेस। ये फोर्सेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। इसी तरह ये फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स।
ग्रेविटेशन फोर्सेस किसके कारण क्रिएट होती हैं? ग्रेविटॉन के कारण. और जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो क्रिएट होते हैं किसके कारण? बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ फोटॉन. इसी तरह ये भी क्या होती है? लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं. ये क्या होती है? लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं. ठीक है. इसी तरह अगर बात करें, नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस भी होती हैं हमारे पास. अब न्यूक्लियर फोर्सेस आपको पता कहाँ पे एक्ट करेंगी? न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. ठीक है. ये फोर्सेस कौन, इनका नेचर क्या होगा? ये क्या होती है? अट्रैक्टिव इन नेचर. ये भी क्या होंगी? अट्रैक्टिव इन नेचर. और ये कौन सी, ये क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं. इनका रेंज क्या होता है? कम होता है. शॉर्ट रेंज फोर्सेस होंगी क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अगर जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास हो गया उस पर न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या होता है? ज़्यादा होता है. ठीक है. इसलिए हम क्या कहते हैं? ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं. और ये क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर होती हैं. ठीक है. स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं. तो ये तो हो गया हमारे पास किसके बारे में? न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में. तो हमारे तीनों फोर्सेस हमने डिस्कस कर लिया. अब देखो यहाँ से कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उसका एक रेशो देख लेंगे. हमारे पास रेशो रहता है, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं वो रहती हैं न्यूक्लियर फोर्सेस. ठीक है. अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, उसके बाद एक वीक फोर्सेस रहता है, और हमारे पास रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और हम लास्ट में होगा जो आपका न्यूक्लियर फोर्सेस होगा. इनका जो रेशो रहता है वो हमारे पास रहता है 1:10^25, 10^36 और 10^38. तो जो आपका न्यूक्लियर फोर्सेस होता है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर. ठीक है. न्यूक्लियर फोर्सेस ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है. सबसे वीक कौन सी आ जाएगी? आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस. ठीक है. इसी तरह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं उसका पावर कितना था? 10^36. तो ये तो था हमारा किसके बारे में? फिजिकल कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में. नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है. अब देखो थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट भी एक टाइप है किसका? फोर्स का. जब ये फोर्स कब एक्ट करती है? इट दिस फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस. ठीक है. ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करेगी टू द सरफेस. अब इस फोर्स का, अब आपको पता है फोर्स का यूनिट क्या होगा? सेम रहता है, न्यूटन. ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट भी क्या होगा? न्यूटन. इसी तरह प्रेशर को अगर डिफाइन करना है, प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. तो प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. इसका यूनिट यूनिट होगा पास्कल, इसका यूनिट होता है. अदर यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर और केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. अब जो दोनों लिक्विड और गैसेस दोनों प्रेशर को एग्जर्ट कर, दोनों एग्जर्ट करते हैं प्रेशर. ठीक है. अब जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम एट द बेस ऑफ द कंटेनर एज इट हैज मोर मास ओवर इट. अगर बेस ऑफ कंटेनर पे देखें जो प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि ऊपर भी तो कुछ मास प्रेजेंट है ना, तो उसका भी प्रेशर एक्ट करेगा. ठीक है. इसी तरह अगर आपका प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर, उसको हम कहते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. जो हमारा एयर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उसको हम कहते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर. अब देखो एग्जर्ट हम जो एयर होती है वो हमारी बॉडी पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करती है, लेकिन हमारा बॉडी क्या करता है? उस प्रेशर को जो आउटसाइड प्रेशर होगा उसको इनसाइड प्रेशर क्या करेगा? बैलेंस कर देता है. ठीक है. इसी तरह और क्या होता है? जो हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है ये क्या होता है? डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन हाइट. अब और देखो प्रेशर के बारे में, अगर तो हमारे पास एरिया क्या है? स्मॉलर है, तो उस टाइम जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? हाई होगा. तो अगर हमारा एरिया क्या है? लार्जर है, प्रेशर क्या होगा उस टाइम? लो होगा. इसीलिए हम क्या करते हैं, जो कटिंग या ड्रिल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका शार्प या पॉइंटेड एजीज होता है. ठीक है. इसी तरह जो कुल्लीज होते हैं, ठीक है, वो कुछ क्लॉथ यूज करते हैं ऑन देयर हेड वाइल कैरिंग हैवी लोड टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द लोड.
ठीक है गाइस, ये तो था प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में। इसी तरह जो हमारे फ्लूड्स होते हैं, ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो फ्लूड्स जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो किसके कारण होता है, उसके वेट के कारण। ठीक है, अब वो उसके जो वेसल होता है उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब जैसे डाउन द ग्रुप जाओ, अब जो प्रेशर होता है वो ल्यूकर का क्या करता है, इंक्रीज करता है विद द डेप्थ। ठीक है, अब ये हमने देख लिया कि जो वेट होता है अपर ल्यूकर का भी, उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखो अगर डेंसिटी ऑफ ल्यूकर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो उस टाइम प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और लास्ट में बात करेंगे प्रेशर का, जो ल्यूकर का अगर इंक्रीज होता तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइज ये थी हमारे पास प्रेशर इन फ्लूड्स में। फिर बात करेंगे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है कि फोर्स क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, एक रजिस्टिव फोर्स होती है। ठीक है, ये हमेशा एक्ट कब करेगी, अपोजिट टू मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो ये फोर्स कहाँ पे एक्ट करती है, जहाँ पे इरेगुलरिटीज होती है बिटवीन द सरफेसेस। अगर हम कोई स्मूथ सरफेस भी ले लेते हैं ना, हम ये नहीं कह सकते कि वो कम्प्लीटली स्मूथ होगी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ स्मॉलेस्ट इरेगुलरिटीज रहती ही रहती हैं। ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। देखो फर्स्ट टाइप क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉन्टैक्ट में है, उस टाइम जो उन पर फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होता है, वो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसका डायरेक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का हमेशा अपोजिट होता है फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा, जब भी कोई बॉडी क्या कर रही है, स्लाइड्स कर रही है दूसरी बॉडी पे, उस टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा, स्लाइडिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। इसी तरह रोलिंग कौन सा होगा, जब बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है दूसरी बॉडी पे, उस टाइम जो फोर्स होगा वो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अब किसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है, जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्सेज होती हैं वो ज़्यादा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है किससे, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स से। इसी तरह सॉलिड सॉलिड में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड लिक्विड, एज़ कम्पेयर टू फिर एयर एयर के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास फ्रिक्शन इन फ्लूड। अब देखो जैसे हमने देखा कि नहीं दो ऑब्जेक्ट्स में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, उन्हीं उसी तरह फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस किस में, हमारे लिक्विड और गैसेस में भी एग्जिस्ट करता है। अब जो ये फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट करते हैं उनको हम कहते हैं ड्रैग। ठीक है, अब ये डिपेंड करती है किस पे, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फ्लूड। अब देखो हमारे जो व्हीकल्स और जो हमारे पास फिश या बर्ड्स हैं, इनका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि ये क्या करते हैं कि ओवरकम कर जाते हैं आपके फ्रिक्शन फोर्सेस को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फ्लोटेशन और आर्चिमेट प्रिंसिपल। अब देखो आपने देखा होगा कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, पानी में डूब जाते हैं और कुछ क्या करते हैं, फ्लोट करने जाते हैं, तैरते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले ही सकते हो, हमारे पास क्या है, शिप का है, शिप क्या करती है, वाटर में फ्लोट करती है। इसी तरह अगर हम स्मॉल नेल, आयरन नेल ले लें, वो क्या कर जाएगा, डिप कर जाएगा वाटर वाटर में। अब क्यों ये चीज़ें होती हैं, जनरली तो ये माना जाता है कि अगर हमारे पास क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या है, वाटर से कम है, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, और जिसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। तो अगर हम कंपेयर करें शिप और आयरन का, तो शिप का डेंसिटी तो ज़्यादा होगा, तो उसका तो उसको तो डिप कर जाना चाहिए वाटर में, लेकिन वो डिप नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब उसके पीछे कंसेप्ट है हमारा बियॉन्ड फोर्स का। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी कोई बॉडी सिंक करने का ट्राई करता है, ठीक है, डीप होने का ट्राई करता है, हमारा जो वाटर होता है ना वो क्या करेगा, एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, इस अपवर्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं, बियॉन्ड फोर्स। ठीक है, इस फोर्स के कारण क्या होगा, हमारा जो बॉडी होता है ना वो क्या एक्सपीरियंस करता है, वर्चुअल डिक्रीज इन इट्स वेट। अब उस वेट में कितना डिक्रीज आएगा, वो इक्वल टू होता है, इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय इट। ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास स्टेटमेंट है किसका, आर्चिमेड प्रिंसिपल का। अब इसी प्रिंसिपल के बेस पे हमारे पास तीन कंडीशंस रहती हैं, अगर तो आपका वेट ऑफ द बॉडी क्या है, ज़्यादा है किससे, बियॉन्ड फोर्स से, तब हमारा बॉडी क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो ये केस था हमारे पास किसके पास, नेल का। ठीक है, जब फील्ड बॉल है, ठीक है, जब हमारे पास कोई फील्ड वाटर बॉटल है, ठीक है,
इसी तरह अगर आपका वेट ऑफ द बॉडी क्या है, लेस देन है बियॉन्ड फोर्स के, उस केस में आपका बॉडी क्या करेगा, फ्लोट कर जाएगा। एग्जाम्पल ले सकते हो आप फ्लोटिंग ऑफ ए शिप, एम्प्टी बॉल हो गया हमारे पास, एम्प्टी बॉटल हो गया। इसी तरह अगर आप वेट ऑफ द बॉडी क्या इक्वल टू है बियॉन्ड फोर्स के, उस टाइम आपका बॉडी क्या करेगा, फ्लोट करेगा नियर द सरफेस ऑफ वाटर। पता लग गया, ये तीन कंडीशन थी हमारे पास और हमारा आर्किमेड प्रिंसिपल। अब बात करेंगे हम विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी क्या होता है, इट इज़ अ रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूड टू मूव। ठीक है, इसका जो यूनिट्स होते हैं ये क्या होता है, न्यूटन सेकेंड्स पर स्क्वेयर मीटर। ठीक है, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन लिक्विड्स एंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन गैसेज। तो ये तो था हमारे पास विस्कोसिटी का थोड़ा सा। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेंट्रीबिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। अब देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर में मूव कर रहा है, ठीक है, अब उस टाइम जो जब कोई बॉडी सर्कुलर में मूव करता है तो उसके सेंटर वाली साइड कुछ फोर्स लगता है। ठीक है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीबिटल फोर्स। ठीक है, अब सेंट्रीबिटल फोर्स के अपोजिट एक फोर्स एक्ट करता है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होगा वो हमारा क्या होता है, एक सूडो टाइप फोर्स होता है। सूडो टाइप फोर्स मीन हमें ऐसे लगता है कि फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे कुछ भी फोर्स नहीं होता। ठीक है, ये हमारे पास आया थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सेंट्रीबिटल फोर्स का हमारे पास एग्जांपल है, हमारे जो प्लैनेट्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, दैट इज एग्जांपल ऑफ सेंट्रीबिटल। इसी तरह हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं किसके, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो भी किसका एग्जाम्पल है, सेंट्रीबिटल फोर्स का। तो अगर हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल का एग्जाम्पल लेना है तो हमारे पास क्या है, सेपरेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम कर, ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसका, सेंट्रीफ्यूगल का। इसी तरह वॉशिंग ऑफ ग्लास इन वॉशिंग मशीन, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ जिससे थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा। अब देखो, कोई भी अगर एक कार है वो क्या करे, एक रोड पे चल रही है, अब वहाँ पे क्या आता है, टर्न आता है। ठीक है, अब देखो राइट टर्न आता है, तो अगर जब भी कार क्या करेगा, राइट टर्न लेगा, तो उस टाइम क्या होता है, वहाँ पे सेंट्रीबिटल फोर्स एक्ट करेगा। अब उस कार का सेंट्रीबिटल फोर्स तो बैलेंस कर लेगा उसका टायर, वहाँ पे क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो वो जो सेंट्रीबिटल फोर्स होगा वो क्या, कौन बैलेंस कर लेगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जर्ट करेगा। लेकिन हमारी बॉडी पे भी तो सेंट्रीबिटल फोर्स एक्ट करेगा, तो हमारा बॉडी जब वो सेंट्रीबिटल फोर्स एक्ट करता है ना, तो हमारा बॉडी हमें थोड़ा सा पुश मिलता है किस साइड, लेफ्ट साइड। अब उस टाइम जो लेफ्ट साइड जो फोर्स एक्ट करेगा ना, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है गाइस, तो ये तो था हमारे पास कंसेप्ट किसका, सेंट्रीबिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अगर सेंट्रीबिटल फोर्स को आपको फाइंड करना, तो सेंट्रीबिटल फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू सेंट्रीबिटल एसेलेरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीबिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है हमारे पास इनर्शिया। सो इनर्शिया का मीनिंग क्या हो गया, इट इज़ अ इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इट सेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कहने का मीनिंग क्या हो गया, जब तक हम उस बॉडी पे फोर्स नहीं लगाएंगे, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। इसी तरह इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। इसी तरह इनर्शिया ऑफ मोशन, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी तरह इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या हो गया, इट इज अ इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम का मीनिंग क्या हो गया, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ अ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो हम मोमेंटम को डोनेट करते हैं पी से, ठीक है, तो इसका ये किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो जो आपका मोमेंटम होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मास के। जितना ज़्यादा मास हाई होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, उतना ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, इसी तरह वेलोसिटी का भी, तो मास जो आपका मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और वेलोसिटी के। तो आपका जो मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड। अब इनर्शिया के बाद हम बात करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का।
ठीक है, तो हमारे पास तीन लॉज ऑफ मोशन है, ये तो आपने पढ़े भी हुए हैं, ठीक है, 9th 10th में ये थे। ये तो हमारे पास जितना भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है ये सारा 9th 10th का कंसेप्ट है, ठीक है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या हो गया, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मोशन तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक हम क्या करेंगे उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मीन अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो तब तक मूव नहीं करेगा जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसी तरह न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, इंफॉर्मेशन देता है कि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, वो हमें किससे मिलता था, न्यूटन सेकंड लॉ से। तो न्यूटन सेकंड लॉ का जो स्टेटमेंट हो गया वो क्या है, फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स मास टाइम्स एंड इट्स एसेलेशन। फोर्स किसके बराबर होगा, मास इंटू एसेलेशन के बराबर। अब देखो जो मोमेंटम का कंसेप्ट था ना वो यहीं से आया था। अब देखो फोर्स किसके बराबर था हमारे पास, मास इंटू एसेलेशन। अब जो एसेलेशन था हमारे पास, आपने इक्वेशन पढ़ा, इक्वेशन ऑफ जो मोशन का इक्वेशन पढ़ा वो क्या था हमारे पास, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन था ना, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ से आप एसेलेशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इस यू को इधर ले जाओ, वी माइनस यू अपॉन टी, तो एसेलेशन का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, वी माइनस यू अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मास, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इस टी को मैं इधर मल्टीप्लाई कर लूँ एफ के साथ, इस टी को मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये इक्वल टू है, ठीक है। एफ टी इज इक्वल टू इस एम को इधर मल्टीप्लाई करो एम के साथ, वी के साथ और यू के साथ, एम वी माइनस एम यू। तो ये क्या था, ये मोमेंटम है, एम वी माइनस एम वी यू, क्योंकि मोमेंटम किसके बराबर होता था, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, वो किसके बराबर है, फोर्स इनटू टाइम के बराबर। तो यहीं से हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमारा कौन सा कंसेप्ट आया था, मोमेंटम का भी कंसेप्ट आया था, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास क्या हो गया, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट दे अप्लाई फोर्सेस टू ईच अदर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मेन हमारे पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो अप्लाई करेंगे फोर्सेस एक दूसरे पे, ठीक है, और उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन वो दोनों फोर्सेस क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। आपने देखा होगा जब भी हमारे पास कोई भी स्विमर होगा, ठीक है, वो स्विमर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, किस पे, वाटर पे, वाटर को बैक साइड मूव करता है और खुद क्या करेगा, फॉरवर्ड वाली साइड मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। इसी तरह आपने देखा होगा जो रॉकेट होता है, ठीक है, रॉकेट में क्या होगा, रॉकेट में कुछ फ्यूल होता है, जब वो फ्यूल बर्न करता है उसमें से गैसेस निकलेंगी, और वो गैसेस क्या करेंगी, डाउनवर्ड वाली साइड मूव करते हैं, और वो जो उससे क्या होगा, एक फोर्स अपोजिट फोर्स में, अपोजिट फोर्स एक्ट करती है, वो जो अपोजिट फोर्स क्या करेगी, रॉकेट को हेल्प करती है ऊपर वाली साइड मूव करने में। तो ये हमारे पास कुछ किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है गाइज। तो ये हमारा हो गया आज का चैप्टर फिनिश, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई हों। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।